आज मैं आपको रामदेव जी के घी की असलियत बताने जा रहा हूँ। और ये मेरा 40 गायों पे, देसी गायों पर 3 साल तक के प्रयोग का नतीजा है, ना कि इंटरनेट से कोई उधार नॉलेज। देसी गाय का घी बनाने के लिए, क्योंकि देसी गाय का एवरेज फैट 3.5 से 4% आता है, अगर मैं 4% फैट भी मानूँ तो 25 लीटर दूध लगता है देसी गाय का 1 लीटर घी बनाने के लिए। अगर 40 रुपये लीटर भी आप मानिए दूध की कीमत, तो 1000 रुपये का तो सिर्फ दूध लगा, उसके बाद पैकिंग, बनाने का खर्चा, GST, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेलर का जो प्रॉफिट है वो, 550 रुपये लीटर में आप ये सब कैसे बेच सकते हैं, पहली चीज। तो जब मैंने इस प्रश्न की थोड़ी खोजबीन की तो मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में अरबों रुपये का, माइंड इट, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का बटर ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, जो बिल्कुल घी जैसा लगता है। वो इंग्लिश गायों का एक्सपायरी, दूसरा मलेशिया से, अमेरिका से, जहाज के जहाज हिंदुस्तान में आ रहे हैं। और अगर आप इनका डब्बा देखेंगे तो उस पर लिखा है कि काउज घी आपने, या गाय का देसी घी, देसी गाय का घी नहीं लिखा है, फोटो देसी गाय की बनाई है, लेकिन कहीं भी इनके डिब्बे पे देसी गाय का घी नहीं लिखा है। और इसका सबूत आपको मैं देता हूँ कि कल सुबह आपका जब दूध वाला आए, या किसी भी दूध वाले को आप जानते हो, तो पूछिएगा कि क्या देसी गाय उसने कभी रखी है। आपको कभी किसी प्रोफेशनल दूध वाले के पास देसी गाय नहीं मिलेंगी, वो आपको यही बताएगा कि पड़ता नहीं खाता, इनका दूध इतना कम होता है। देसी गाय रखना तभी वायबल है जब उसका दूध कोई व्यक्ति 80 से 120 रुपए लीटर बेचे। आप अगर गूगल पे देसी गाय का घी सर्च करेंगे तो 1500, 2000, 2500, 3000 रुपए लीटर लोग बेच रहे हैं जो शुद्ध बना रहे हैं। ये रामदेव जी 550 कैसे बेच सकते हैं? दूसरा सबूत, एक बार 0.5 लीटर आप गाय का घी घर पे बना के देखिए, आपको उसकी कॉस्टिंग खुद पता चल जाएगी, आप हैरान रह जाएंगे कि कितने का पड़ रहा है। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए। तीसरा, आप गूगल पे सर्च करके देखिए बटर ऑयल इंपोर्ट, बिल्कुल घी जैसा, 100-150 रुपये किलो आपको दिल्ली में मिल जाएगा, पीले रंग का, सेम घी जैसा। अंत में रामदेव जी, आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि पहले ही हमारे देशवासियों का बाबाओं से दिल टूटा हुआ है, उनके फ्रॉड देख देख के हमारी श्रद्धा टूटी हुई है, क्यों भगवे वस्त्र पहन के स्वदेशी का नारा लगा के आप विदेशी गायों का पता नहीं कैसा घी आप हमें, या बटर ऑयल सो कॉल्ड आप हमें खिला रहे हैं। तो कृपा करके इस तरह की हरकतें ना कीजिए।